हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन्नास कुक बुक। आज मैं बना रही हूँ फ़िश करी, वो भी बंगाली स्टाइल में, यानी फ़िश करी मस्टर्ड या सरसों की ग्रेवी में। बहुत इजी सी रेसिपी है और बहुत मज़े की बनती है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 800 ग्राम के करीब फ़िश ली है। ये रोहू फिश है जिसे मैंने अच्छे से धो दिया है। इसे हम करेंगे मैरिनेट। थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, हल्दी और थोड़ी सी रेगुलर रेड चिली पाउडर डाल के इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट और मस्टर्ड ऑयल। इस सारे मैरिनेट को हम फिश पे अच्छे से लगा लेंगे और इसे 15 से 20 मिनट के लिए हम मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो कतला या जो भी फिश अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। जब तक फिश मैरिनेट हो रही है, हम करते हैं ग्रेवी की प्रिपरेशन, जिसके लिए मैंने लिया है 2 चम्मच भर के मस्टर्ड, राई या सरसों, 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च या गोल मिर्च, 1 इंच टुकड़ा अदरक का, थोड़ी सी हरी मिर्च और 6 से 7 कलियां लहसुन की। इसे थोड़ा सा पानी डालकर हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। देखिए, कुछ इस तरीके का पेस्ट हमें बनाना है। इसे अब हम निकाल लेंगे एक बोल में और इसे रख देंगे साइड में। तो एक पैन में मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल, जिसे अच्छे से गर्म करेंगे। जब धुआं आने लगे उसके बाद में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा और बारीक कटा हुआ प्याज। तो यहाँ 2 मीडियम साइज के प्याज मैंने लिए हैं। अगर आपको मस्टर्ड ऑयल का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप रेगुलर वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे अब हम भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये पेस्ट जो हमने अभी पीसा था। तो पेस्ट डालने के बाद में मैं डाल रही हूँ नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और इस पेस्ट को हमें भुनना है 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे, जब तक कि इसमें से ऑयल रिलीज नहीं हो जाता। तो मसाला अच्छे से भुन चुका है, तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया का पाउडर, और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। तो मसाला अब अच्छे से पक चुका है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ टोमेटो प्यूरी, 2 मीडियम साइज के टमाटर मैंने लिए थे जिसे मैंने पीस के प्यूरी बना लिया है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे अब हम ढक कर पकाएंगे लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक कि टमाटर पक नहीं जाता। तो जब तक ग्रेवी बनती है हम अपना फिश फ्राई कर लेते हैं, जिसके लिए लिया है मैंने एक नॉनस्टिक पैन। उसमें डाला है थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो आप फिश को फ्राई करें। फिश को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। रोहू काफ़ी डेलिकेट होती है तो इसे हमें ध्यान से ही पलटना है। तो फिश को दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर दिया है, तो ये फिश फ्राई रेडी है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो सारी फिश इस तरह से हमने फ्राई करके रख दी है। चेक कर लेते हैं ग्रेवी। टमाटर अच्छे से पक चुका है, ऑयल भी रिलीज होने लगा है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ पानी, 1/2 से 1 गिलास पानी मैंने ऐड किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इस ग्रेवी को अब हम बॉईल करेंगे। लो फ्लेम पे आप इसे बॉईल करें। तो अच्छा सा बॉईल आने पर अब हम इसमें ऐड करेंगे फिश के पीसेस जो हमने फ्राई करके रखे थे। तो फिश ऐड करने के बाद में हम इसे पकाएंगे लो फ्लेम पे करीब 2 से 3 मिनट के लिए। और देखिए कितना अच्छा फिश करी बना है, कितना अच्छा रोगन आया है। आई वुड सजेस्ट कि आप फिश को फ्राई करके ही इसमें ऐड करें। ये ग्रेवी रोटी और स्पेशली चावल के साथ में बहुत ज़बरदस्त लगती है। इसमें ऐड करें थोड़ा सा गरम मसाला और खूब सारा हरा धनिया, और इसे गर्मा गर्म इन्जॉय करें बॉइल्ड राइस या जीरा राइस के साथ में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। जल्दी ही मिलते हैं ऐसी और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।